हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हो। आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको और बताता चलूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ज्वाइन वाला बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। इग्नू बीकॉम में आना और एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पर मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7, जो कि हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, नॉमिनल सा फी पेमेंट करने के बाद, मोर अबाउट वर्क्स में आपको जाना है। यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको हमें ज्वाइन कर लेना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे आए, और आने के बाद जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाएं। वहां पे आपको इग्नू बीकॉम न्यू नाम का एक सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको इग्नू के फर्स्ट ईयर, बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, जिनके अंदर ढेर सारी वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे देखो, पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि कमर्शियल बैंक जो है दो तरीके का होते हैं। एक होता है शेड्यूल, दूसरा होता है नॉन शेड्यूल। शेड्यूल बैंक फिर दो तरीके के होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे हो गए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, सारे के सारे प्राइवेट बैंक है। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट बैंक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, जो अदर नेशनलाइज्ड बैंक है, जैसे कि पीएनबी हो गया, देना बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, ये सारी की सारी जो है नेशनलाइज्ड बैंक है। तो ये सारी बैंक जो है वो शेड्यूल बैंक में आ जाएंगी। नॉन शेड्यूल बैंक की कैटेगरी ही अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमर्शियल बैंक्स में शेड्यूल बैंक्स के बारे में, कि शेड्यूल बैंक्स हम किसे कहेंगे। ठीक है ना, दो तरीके का बैंक होता है कमर्शियल बैंक, एक शेड्यूल और दूसरा नॉन शेड्यूल। ठीक है ना, शेड्यूल में ये तीनों आ जाते हैं और बाकी के दोनों भी आ जाते हैं। चलो शेड्यूल बैंक देखते हैं फिर। सो शेड्यूल बैंक्स रेफर्स टू दोज बैंक्स व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इन इंडिया शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। These are the public sector, private sector and foreign sector banks, है ना? तो schedule bank वो सारे bank होते हैं जिनको schedule bank कहा जाता है हमारे RBI Act 1934 के द्वारा। ठीक है ना, तो कुछ rules हैं, कुछ regulations हैं, उन rules and regulations को जो भी follow करता है, जो भी उसको मानता है, उसे हम एक schedule bank बोलेंगे, है ना? तो ऐसे bank जो कि RBI Act के तहत काम कर रहे हैं या फिर registered हैं, उनको हम बोलेंगे एक schedule bank। registered नहीं है, बस गाइडलाइंस होती हैं जिनको फुलफिल करना होता है। तो ये जो शेड्यूल बैंक्स होती हैं, तीन तरह की हो सकती हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, बेसरकारी बैंक, और तीसरा है फॉरेन बैंक, जो बैंक इंडिया के बाहर की होती हैं लेकिन इंडिया में काम कर रही होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। ठीक है, सो दीज बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। पहला तो फीचर यही हो गया, आपसे अगर कोई पीछे फीचर तो भाई सबसे पहले यही बोलना कि पब्लिक सेक्टर बैंक होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इन अदर वर्ड्स, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रोल इज होल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका मोर देन 51% जो हिस्सा होता है वो जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। तो मेजोरिटी ऑफ कंट्रोल क्या है, गवर्नमेंट के पास होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज बैंक इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी, नॉट टू मेक प्रॉफिट्स। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये सोसाइटी के लिए काम करें, ना कि प्रॉफिट बनाएं। हालांकि ये लोग प्रॉफिट बनाते हैं, आरबीआई का क्या हाल है मुझे, एसबीआई का क्या हाल है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी बैंक जो है प्रॉफिट कमाने के लिए लड़ रही है। प्राइवेट कंपनी थोड़ी ज्यादा लड़ती है, हालांकि वो सर्विसेज भी ज्यादा अच्छी देती है। पब्लिक सेक्टर में सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती, हालांकि इनको बनाया गया था सोसाइटी के लिए, लेकिन ये प्रॉफिट कमाने के ऊपर भी ध्यान इनका आजकल बढ़ गया है। एग्जाम्पल्स में दिया हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एसबीआई एंड इट्स सब्सिडियरीज एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो एसबीआई बैंक है, उसके सब्सिडियरी बैंक्स हैं, 5 या 7 सब्सिडियरी बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ अहमदाबाद, ऐसे करके। और नेशनलाइज्ड बैंक टोटल 14 थी, अभी घट करके कुछ 9 के आसपास रह गई है शायद, या उससे भी कम है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी सारी बैंक्स एट प्रेजेंट हैं मर्जर के बाद। तो ये सारी बैंक्स जो है वो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के बारे में। तो ऐसे सेक्टर, ऐसे बैंक्स जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं होता बल्कि बिजनेसमैन के पास होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो दीज बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट बिजनेसमैन।
इन अदर वर्ड्स मेजोरिटी ऑफ द कंट्रोल इज होल्ड बाय द प्राइवेट ओनर्स, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। पब्लिक सेक्टर में जो पॉइंट्स मैंने बताया वही पॉइंट्स प्राइवेट सेक्टर में उल्टे करके आपको लिखना है। एग्जाम्पल्स में आगे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई बैंक आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स किसको बोलेंगे भाई? सो दीज बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द फॉरेन प्रमोटर्स। ये जो बैंक्स होती हैं वो इंडिया में काम कर रही होती है, लेकिन उनका जो प्रमोटर होता है ना वो फॉरेन कंपनी का होता है, फॉरेन कंपनी जो है उसको चला रही होती है। आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नाम सुना होगा, आपने एचएसबीसी का नाम सुना होगा, आपने फेडरल बैंक का नाम सुना होगा, ये सारी की सारी फॉरेन बैंक्स हैं। सो व्हेन 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 द प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैज हैड स्टार्टेड इन इंडिया, देयर नंबर हैज ग्रोन। जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, तो उस टाइम पे इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ इनकी संख्या जो है इंडिया में काफी हद तक बढ़ी है। जो हमारे इंडिया में कौन कौन सी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, और ये कुछ एग्जाम्पल है जो की फॉरन बैंक के तहत आते हैं। दूसरा टाइप का जो बैंक था वो था नॉन शेड्यूल बैंक। सो नॉन शेड्यूल बैंक आर द बैंक्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ऐसे कोई भी बैंक जिनका जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, उसको हम नॉन शेड्यूल बैंक्स बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा था, याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहां पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे मेंबरशिप प्लान को लीजिए, मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, आप लीजिए, इसके बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।